little mouse, cause I'm an albatross. So hi friends, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि how to drive your car in 5 minutes. फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये होता है एक्सीलेटर, ये होता है ब्रेक और ये होता है क्लच और ये होता है गियर, जिसको आप क्लच दबा के गियर लगाते हो, ये होता है हैंड ब्रेक, ये होता है हैंड ब्रेक. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी सीट को एडजस्ट कर लेना है. ये आपको सीट अपने एडजस्ट कर लेना है, फिर ब्रेक, ये अगर आपको स्लोप एरिया है तो आपको ब्रेक दबा के पहले क्लच दबा के गाड़ी को न्यूट्रल कर लेना है. न्यूट्रल करने के बाद ये होता है की को लगा के, की को लगा के पहले आपको सीट बेल्ट लगाना है. सो फ्रेंड्स, आपको सीट बेल्ट लगाने के बाद क्लच दबाना है. क्लच दबाने के बाद इस गियर को फर्स्ट पे करना है. फर्स्ट पे करने के बाद आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है फ्रेंड्स आपको, और फिर एक्सीलेटर लेना है. धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, एक्सीलेटर लेना है, आपकी गाड़ी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने रहेगी. आपको आरपीएम मीटर आपकी गाड़ी के हिसाब से आपको दिख जाएगा, ये ऐसे आरपीएम मीटर दिख रहा होगा ये. फिर आपको अगर आपको गियर चेंज करना है तो फिर क्लच दबाना पड़ेगा और फिर आप उस गाड़ी को न्यूट्रल, फिर ये टू, ये फिर न्यूट्रल, फिर ये थ्री के बाद न्यूट्रल, फिर फोर के बाद न्यूट्रल, फिर डायरेक्ट फाइव कर देंगे. और ये इसको फिर ये न्यूट्रल ले जाके रिवर्स लगा देंगे. ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए.